नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी विद मूलेंद्र पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, DRDO को टारगेट लेकर के हम ITI के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए GS और जनरल अवेयरनेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं, उसमें भी आपको 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें भी इस वीडियो में हम आपको 30 क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हम 30 क्वेश्चन कवर करा चुके हैं, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिल सके और स्टूडेंट सभी छात्राओं को अधिक से अधिक सहायता मिल सके। तो फ्रेंड्स, यही हमारा टारगेट है इस अब की बार DRDO पर। तो फ्रेंड, चलते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को चुंबकीय बनाया जाता है, कौन सी क्रिया द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी सही है, डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन के द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। डायनेमो का जो कार्य करने का सिद्धांत है वो विद्युत चुंबकीय प्रभाव है, यानी कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इफेक्ट, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों में कौन सा अधिक उपयुक्त है। जो पदार्थ दिए गए हैं उनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर के कोर बनाने के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नरम लोहा। नरम लोहे की जो ट्रांसफार्मर की कोर है वो बनाई जाती हैं, जो कि अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लेंज का जो नियम है वो किस पर आधारित है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी सही है, ऊर्जा संरक्षण। लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है, किस तरफ संकेत करती है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बार बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि आपकी जो चुंबकीय सुई है वो किस तरफ की ओर संकेत करती है, तो आप की ओर करती है, ये आपके ऑप्शन बी उत्तर की तरफ, तो आंसर हो जाएगा उत्तर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया किसके द्वारा किया गया। विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया था। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, ओस्टेरिड द्वारा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, कितने डिग्री का कोण बनाता है। मुक्त रूप से कोई चुंबक लटकी हुई है, चुंबक सुई लटकी हुई है, उसका जो अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ जो कोण बनाता है वो कितने डिग्री का बनाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18 डिग्री का, तो ध्यान रखना है 18 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, यानी ध्रुवों पर जो नमन कोण है उसका मान कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकित किया जा सकता है, कोई चुंबकीय पदार्थ है उसको विचुंबकीय किया जा सकता है, किस प्रकार से किया जा सकता है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एयर बे दोनों। कोई चुंबकीय पदार्थ है उसे विचुंबकित करना है तो उसे हथौड़े से पीट कर या गर्म करके आसानी से विचुंबकित किया जा सकता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय है। दिए गए ऑप्शन में कौन एक प्रतिचुंबकीय है, तो ऑप्शन डी सही है, विस्मित। लोहा निकिल कोबाल्ट को छोड़कर विस्मित प्रतिचुंबकीय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है, प्रकृति में एक अनुचुंबकीय है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी सही है, आप लोग सभी जानते होंगे कि ऑक्सीजन एक गैस है
और ये प्रकृति में अनुचुंबकीय मानी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है? चार ऑप्शन में से अचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? आप सभी जानते हैं लोहा है, चुंबकीय पदार्थ है कोबाल्ट है, चुंबकीय पदार्थ है निकिल, चुंबकीय पदार्थ है, जबकि आपका पीतल जो वो अचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में ठहरती है या टिकती है? तो आप सभी जानते हैं आपके नॉर्थ साउथ यानी कि उत्तर दक्षिण, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, आपकी जो मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई जो है वो किस दिशा में ठहरती है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, और ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? कौन सा उपकरण है जो विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो ये आपका हो जाएगा ओम मीटर, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धारावाही चालक संबंधित है, किससे संबंधित है एक धारावाही चालक? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी सही है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। एक धारावाही चालक किससे संबंधित है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है, क्या काम है, डायनेमो का काम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी सही है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना, डायनेमो। आप जानते हैं डायनेमो, लास्ट में मो आ रहा है तो आपको ओ को ई कर देना है, और एम से क्या हो जाएगा आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो बहुत ही आसान ट्रिक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब क्या होता है? कोई साबुन का बुलबुला है उसे आवेशित किया जाएगा तो तब क्या होगा? यह फैल जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है, यह क्या करता है? फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है दिए गए ऑप्शन में? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी सही है, 1 जूल प्रति कूलाम के। 1 वोल्ट किसके बराबर है? 1 जूल प्रति कूलाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीबी जो एक लघु पतन को मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है का काम करता है, क्या काम करता है? आपके घरों में एमसीबी लगी होती हैं जो लघु पतन के मामले में विद्युत की जो सप्लाई है उसे काट देता है, तो इसका काम क्या 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 कार्य है? तो इसका कार्य है धारा के ताप प्रभाव से काम करता है, किस कारण से काम करता है? धारा के ताप प्रभाव से, यानी कि करंट के हीटिंग इफेक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए कौन सा साधन प्रयुक्त होता है दिए गए ऑप्शन में से? यदि आपको पंखा है आपके घर में तो उसकी गति बदलनी है तो उसके लिए कौन सा साधन उपयुक्त है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी सही है, रेगुलेटर। आप सभी जानते हैं रेगुलेटर से आप पंखे की जो गति है उसे धीमी और तीव्र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है दिए गए ऑप्शन में से? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम दाब पर पारा, कम दाब पर पारा। तो इतना आंसर आपको ध्यान रखना है, ए ऑप्शन सही है, विद्युत मरकरी जो लैंप होती है उनमें कम दाब पर पारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी तार प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? कोई तार है उसको लंबा कर दिया गया तो उसका प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो फ्रेंड्स उसका जो प्रतिरोध है वो ज़्यादा हो जाता है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये जितना तार लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते होंगे फ्रेंड्स, यदि किसी पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो शून्य हो जाएगा गिर करके तो वह पदार्थ क्या कहलाएगा? तो वो अति चालक कहलाएगा। तो फ्रेंड्स इतना आपको ध्यान रखना है, क्या कहलाएगा? वो अति चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? कोई चालक है उसका विद्युत प्रतिरोध है वो किससे स्वतंत्र होता है? तो आई होप आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, नहीं भी पता तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दाब। कोई भी चालक का जो प्रतिरोध है वो केवल प्रेशर से यानी कि दाब से स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोरसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है, क्या उपयोग है? फ्लोरसेंट लैंप है उसमें चौक का क्या वर्किंग है या प्रयोजन है?
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रतिरोधकता को कम करना। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है? प्रतिरोधकता को कम करना, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, किससे जोड़ना चाहिए? 3 पिन बिजली का प्लग है, उसको सबसे लंबी जो पिन है उसे कौन से जोड़ना चाहिए? यानी कि 3 पिन बिजली का प्लग है, सबसे लंबी पिन को इसमें पूछा गया है, सबसे लंबी पिन को किससे जोड़ना चाहिए? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, आधार से। आप सभी जानते हैं सबसे लंबी पिन होती है आपकी, जिसे आधार से जोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रतिदीपित नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, सॉरी सी, ऑप्शन सही है, पारा, वाष्प तथा आर्गन। प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्य प्रयोग होने वाली वस्तु है पारा, वाष्पन तथा आर्गन, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, ट्रांसफार्मर किस लिए प्रयुक्त होते हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एसी वोल्टेज का अपचयन तथा उपचयन करने के लिए, यानी कि स्टेप डाउन तथा स्टेप अप, यानी कि वोल्टेज को घटाने के लिए तथा बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है? अभी आपसे पूछा गया था कि डायनेमो क्या करता है, वो यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करता है, और आपको यहाँ पर पूछा गया है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी सही है, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर डायनेमो के अपोजिट वर्क करती है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। तब तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।